ढाई माह पहले मैनपुरी के नवोदय विद्यालय के छात्रावास में छात्रा के संदिग्ध अवस्था में मौत की जांच और कार्यवाही में हुई देरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है। एसपी अजय शंकर राय को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए पुलिस महानिदेशक कार्यालय से संबंध कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही सीबीआई जांच के लिए सरकार रिमाइंडर भेजेगी और तब तक 3 सदस्यीय एआईटी प्रकरण में आगे की कार्यवाही करेगी। मैनपुरी के भोगांव निवासी संतोष पांडे की बेटी नवोदय विद्यालय के छात्रावास में मृत पाई गई थी। इस मामले में अभी तक कार्यवाही ना होने पर राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। शनिवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस संबंध में पत्र लिखा। पुलिस की लापरवाही से नाराज योगी के निर्देश पर रविवार को विवेचना में देरी के कारण एसपी अजय शंकर को तत्काल प्रभाव से हटाकर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय लखनऊ से संबंध कर दिया गया है। उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के निर्देश भी दे दिए गए हैं। शामली के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार को मैनपुरी में तैनाती दी गई है। एसपी अजय कुमार की मैनपुरी में तैनाती के साथ ही विनीत जायसवाल को शामली का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। अभी तक वह गौतम बुद्ध नगर के अपर पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसके अलावा इस मामले में सीबीआई जांच कराने का अनुरोध पत्र 27 सितंबर 2019 को केंद्र सरकार को भेजा था। इसी पर अनुस्मारक भेजने के निर्देश योगी ने दिए हैं। तब तक त्वरित कार्यवाही के लिए कानपुर परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर दी गई है। नवागत पुलिस अधीक्षक अजय कुमार और एसटीएफ के पुलिस उपाध्यक्ष श्यामाकांत इसमें सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को हिदायत दी है कि ऐसे गंभीर प्रकरणों की विवेचना में लापरवाही पर कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। 16 वर्षीय अनुष्का पांडे जवाहरलाल नवोदय विद्यालय में कक्षा 11 की छात्रा थी। वह विद्यालय परिसर स्थित हॉस्टल में रहती थी। 16 सितंबर की सुबह अनुष्का के शव को पंखे से लटकता पाया गया था। स्कूल के कर्मचारियों ने उसे फंदे से उतारकर जिला चिकित्सालय ले जाया गया था। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। परिवारजनों का आरोप था कि बेटे की हत्या करके शव लटकाया गया है। उसके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। पंचनामा के दौरान छात्रा के शरीर पर चोट का जिक्र किया गया, जबकि पोस्टमार्टम में किसी भी तरह की चोटों का जिक्र नहीं किया गया है। नवोदय विद्यालय भोगावा के हॉस्टल में हुई अनुष्का की हत्या की जांच में तेजी आ गई है। रविवार को आरोपित छात्र का डीएनए टेस्ट के लिए नमूना लिया गया है। साथ ही साथ छात्र छात्राओं के बयान भी लिए गए हैं। कक्षा 11 की छात्रा अनुष्का का शव 16 सितंबर को हॉस्टल के कमरे में मिला था। भोगांव पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाद में मामला एसटीएफ के हवाले कर दिया गया है। सबजनों ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी। इस पर प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की थी, लेकिन अब तक मामला सीबीआई के सुपुर्द नहीं हो सका है। एसटीएफ के सीओ श्यामकांत ने मामले की जांच के लिए भोगांव में डेरा जमा लिया था। मुख्यमंत्री तक मामला पहुंचते ही जांच में तेजी आ गई है। पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए रविवार को आरोपी छात्र के रक्त का नमूना लिया। अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि मामले में जांच चल रही है। अनुष्का हम शर्मिंदा है, अनुष्का हम शर्मिंदा है। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। अनुष्का मामले में जो बिस्तर सुरक्षित किया गया है, उस स्लाइड में उनकी क्या रिपोर्ट आ गई, आ गई तो क्या रिपोर्ट है? देखिए, आज से एसआईटी जो गठित करी गई है 3 सदस्यीय टीम की, उसने अपनी कार्रवाई आरंभ कर दी है और हम लोग आज सभी तथ्यों को इसके समझ रहे हैं। घटनास्थल का मुआयना करेंगे और सभी तथ्यों को समझने के बाद आगे की रूपरेखा इसकी तय की जाएगी। ऐसा क्यों आवश्यकता पड़ी है, ऐसा क्यों गठित की गई, क्या पुलिस की कमियां रही हैं पुलिस की? ये शासन लेवल से निर्णय लिया गया और शासन ने जो है एक एसआईटी का इस मामले में गठन किया है और 3 सदस्यीय एसआईटी है जो अपना काम करेगी। सर, 3 स्टूडेंट और 2 टीचरों को पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए लखनऊ भेजा गया है। देखिए, अभी इसकी मुझे बहुत जानकारी नहीं है। अभी तथ्यों को मैं जुटा रहा हूँ, पूरे प्रकरण को समझा जा रहा है, मौका मुआयना किया जा रहा है। उसके बाद आगे किस तरह से इसमें हम लोगों को कार्रवाई करनी है, इसका निर्णय लिया जाए। सर, मिश्रा की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, डीएनए कराया गया है जो
लोग पकड़े गए हैं, तो डीएनए किस दृष्टिकोण से कराया गया है, स्लाइड की रिपोर्ट में भी सर? ये सब इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हैं, और ये हम लोग बहुत कुछ जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता कि क्यों ऐसा कराया गया है, इसका परिणाम क्या रहा है, भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, इससे हमारी विवेचना प्रभावित होती है। तो जैसे ही जो चीज़ बताने योग्य होगी आप लोगों को बताया जाएगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।